हेलो गाइस, देखिए ये हमारा नेक्स्ट सेकंड ईयर वीडियो है, नेक्स्ट सेशन है और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रहे थे। तो अब इसका देखिए, इसमें हमने विल, शैल और कैन आपको रीडिंग करा दिया था, उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। अब देखिए आता है फोर्थ पॉइंट, मे मे एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन के लिए भी मे आता है। मे इज मोर फॉर्मल देन कैन, तो मे जो आता है वो कैन से अधिक फॉर्मल होता है। तो देखिए, यू मे कलेक्ट योर नोटबुक, तुम अपनी नोटबुक कलेक्ट कर सकते हो परमिशन के बन, तो इसमें परमिशन दे सकते हैं। मे आई बोरो योर कार, और परमिशन टेकन, तो देखिए हम किसी से अगर कोई बात पूछेंगे, कोई परमिशन लेंगे, तो हम मे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। मे आई गो, मे आई गो, ठीक है, मे आई कम इन, तो ये सब अगर कहीं आप ऑफिस में जाते हो तो आप सबसे पहले मे आई कम इन कहते हो, तो आप परमिशन लेते हो, ठीक है। और तो अगर परमिशन देने वाला क्या कहते हैं, यू मे कम इन, ठीक है। तो इसमें मे एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी संभावना के लिए भी मे यूज होती है। इट मे रेन दिस इवनिंग, मतलब इस शाम को वर्षा हो सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी आ रही है, संभावना आ रही है, ठीक है ना। ही मे गेट ए गुड जॉब, उसके उसे गुड जॉब वो ले सकता है। तो मे इज यूज टू एक्सप्रेस ए विद, मे ही लिव लॉन्ग, तो वह क्या सकता है, वो जीवित, तो देखिए मे के लिए आ गया, तो मे इज यूज टू एक्सप्रेस ए विद, मे ही लिव लॉन्ग, इसके लिए हम किसी के लिए अपनी मनोकामना किसी के लिए कह रहे हैं, उसके जीवित दीर्घायु होने की हम कामना कर रहे हैं, तो वहां पर मे का यूज हो जाएगा। मे शी हैव गुड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम किसी के दीर्घायु होने की, किसी के स्वास्थ्य अच्छे रहने की ईश्वर से कामना करते हैं, तो वहां पर मे का यूज हो जाता है। अब देखिए वुड, वुड इज यूज्ड एट द पास्ट टेंस ऑफ विल और शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए वुड का यूज किस टाइप से होता है, तो डायरेक्ट स्पीच में देखिए, ही सेड आई विल लुक इन टू द मैटर, उसने कहा मैं अब इस मामले को देख लूंगा, तो फ्यूचर टेंस में हो गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही वुड लुक इन टू द मैटर, उसने कहा कि वो इस मामले को देख लेगा। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, तो उसमें रिपोर्ट स्पीच में भी पास्ट टेंस हो जाएगा, तो बिल्कुल वुड हो जाएगा। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट। तो देखिए, वंस एवरी वीक ही वुड गो फॉर ए स्विम इन द सी, तो सप्ताह में एक बार वो तैरने के लिए समुद्र में जाया करता था। तो देखिए उसमें इसकी एक आदत है, हैबिचुअल एक्शन है इसका पास्ट टेंस के लिए, तो उसमें भी वुड का यूज हो जाता है। तो अब सेकंड देखिए, एवरी मॉर्निंग गांधी जी वुड गो फॉर ए लॉन्ग वॉक, प्रत्येक शाम को या प्रत्येक सुबह को गांधी जी लॉन्ग वॉक पर जाया करते थे, तो इसमें भी वुड का यूज दिया गया है। सी देखिए, वुड विद रादर इज यूज टू एक्सप्रेस ए विश और परफरेंस, तो देखिए विश के लिए और परफरेंस के लिए वुड का यूज होता है। आई वुड रादर स्टेप देन बाई, तो भूखा रहने के बजाय, ठीक है, आई वुड रादर स्टेप देन बाई, तो इसका मतलब आई वुड रादर, रादर कहते हैं अपेक्षाकृत, स्ट्रीम में इसके अपेक्षाकृत भूखा रहूंगा, ठीक है। तो अर्थात इसका मतलब है कि भीख मांगने के बजाय भूखा रहना अधिक पसंद करूंगा, इस टाइप से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो वुड आपका ये कंप्लीट हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अभी सिक्स पॉइंट आता है शुड, तो शुड बी यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ शैल इज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखिए शुड का यूज कहां पर होता है, अब शेल का क्या हो जाएगा, शुड, शेल का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में, शुड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए शुड का ये प्रयोग शेल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। शुड का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य के भाव को एक्सप्रेस करता है शुड, ठीक है, और शुड का प्रयोग एडवाइस देने के लिए भी एक्सप्रेस रहता है। तो देखिए शुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ शेल इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए ही सेड द वर्कर्स शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, ही सेड दैट द वर्कर्स शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, तो शैल का शुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो शुड इज यूज टू एक्सप्रेस इन एडवाइस, सलाह देने के लिए भी होगा। तो यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, हम किसी को अगर सलाह दे रहे हैं तो उसमें शुड होना चाहिए। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी, लॉजिकल कहते हैं तार्किक,
अनिवार्यता के लिए दे शुड बी होम बाई नाउ, ठीक है, तो उन्हें क्या होना चाहिए, घर पर होना चाहिए अभी। अब माइट देखिए, माइट इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो माइट जो मे का जो माइट हो जाता है वो पास्ट टेंस हो जाता है। तो ही देखिए डायरेक्ट स्पीच में ही सेड ही मे कम टू टूडे, इनडायरेक्ट में कह देंगे ही सेड दैट ही माइट कम दैट डे, तो ये मे का माइट हो जाएगा पास्ट टेंस में। अब देखिए माइट इज यूज टू एक्सप्रेस द लास्ट पॉसिबिलिटी, लास्ट कहते हैं अंतिम, ठीक है, पॉसिबिलिटी कहते हैं संभावना, तो अर्थात वेरी पुअर पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है, अधिक अधिक बहुत अधिक कम संभावना, ठीक है, ना के बराबर। इट माइट रेन टू नाइट, अगर इस शाम वर्षा हो सकती है, और वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम कह रहे हैं कि इस शाम वर्षा हो सकती है, और ठीक है, तो इसकी बहुत कम संभावना है। माइट इज यूज टू आस्क ए परमिशन, तो परमिशन के लिए भी आती है, माइट आई मेक ए सजेशन, ठीक है। अब देखिए नोट, माइट इज मोर फॉर्मल देन मे, तो माइट जो मे से अधिक फॉर्मल देन होती है। कुड, कुड इज यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो देखिए कुड कैन का पास्ट टेंस होता है, जैसे ही सेड आई कैन फिनिश दिस टास्क इन ए डे, उसने कहा मैं इस कार्य को एक दिन में खत्म कर दूंगा, तो ही सेड, तो सेड जब आएगा पास्ट टेंस की, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, इसकी सब्जेक्ट की जो वर्ब आ गई पास्ट टेंस में आ गई, तो इसका जो जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब आएगी अदर सब्जेक्ट की, सेकंड सब्जेक्ट की, तो वो भी पास्ट टेंस में हो जाएगी। तो दैट ही कुड फिनिश दैट टास्क इन ए डे। बी पॉइंट देखिए, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, तो देखिए ये जो कुड है ये पास्ट टेंस की एबिलिटी के लिए भी यूज होती है। आई कुड डू दैट वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता था, बट नोबडी गेव एनी चांस टू डू दैट, परंतु किसी ने मुझे वो चांस नहीं दिया कार्य को करने का। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस ए पोलाइट, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में कर देते हैं। कुड यू वेट फॉर ए मिनट, फॉर ए फ्यू मिनट, क्या तुम कुछ मिनट प्रतीक्षा कर सकते हो, तो देखिए इसमें क्योंकि पास्ट टेंस की वर्ब आ रही है, बट पास्ट टेंस की वर्ब प्रेजेंट टेंस में आ रही है, बट इसमें क्या हो रहा है, इस वर्ब में हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है ना, क्या तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हो। अब देखिए ये पॉइंट नंबर 9 आएगा आपका, ठीक है, 9 पॉइंट नंबर में देखिए मस्ट आता है, क्या आता है, मस्ट, ठीक है। अब देखिए मस्ट के लिए हम आपको वीडियो सेकंड में आप बताएंगे, और सेकंड वीडियो में आपको मस्ट एंड ये नीड नॉट और टू डे आर यूज टू के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है।